बनबसा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडो नेपाल अधिकारियों के बीच आज होगी बैठक। तो इंडो नेपाल अधिकारियों की आज बनबसा में बैठक होनी है। चंपावत, उधम सिंह नगर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के डीएम भी रहेंगे मौजूद। तो आपको बता दूं कि इस मीटिंग में चंपावत, उधम सिंह नगर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के डीएम भी मौजूद रहेंगे। इंडो नेपाल अधिकारियों के बीच में आज बैठक होनी है। नेपाल कंचनपुर जिले के उच्च अधिकारी रहेंगे इस बैठक में शामिल और दोनों देशों के सीमांत मुद्दों और समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज इंडो नेपाल अधिकारियों के बीच बैठक होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक फुलेरा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से मीटिंग की बात सामने आ रही है, कई अहम मुद्दों को भी रखा जाएगा, कई अहम नेता भी मौजूद रहेंगे, क्या वजह है मीटिंग रखने की, क्या खास बात सामने आ रही है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, आज चंपावत जिले के बनबसा बॉर्डर का मामला है, एक बड़ी बैठक यहां पर होने वाली है इंडो नेपाल के अधिकारियों के बीच में। आपको बता दूं एनएसटी सभागार में ठीक 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें नेपाल जो उत्तराखंड से लगा हुआ जिला है कंचनपुर, उसके सभी सीमांत अधिकारी वहां पर रहेंगे। उसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो चंपावत के डीएम, उधम सिंह नगर के डीएम और यूपी के पीलीभीत व लखीमपुर जिले के डीएम सहित पुलिस अधिकारी यहां पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम फॉरेस्ट के अधिकारी और अन्य विभागों के जो भी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि जो सीमांत समस्याएं हैं दोनों ही देशों के बीच में, उन पर मंथन होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात इस बैठक की इस बार ये है कि जो भी दोनों देशों के बीच में सीमांकर पिलर गायब है उनको लेकर भी इस बार विशेष चर्चा इस विषय पर होगी, क्योंकि जल्द ही सर्वे ऑफ इंडिया और नेपाल के बीच में इन पिलर्स को जो गायब है उनको स्थापित करने पर पहल चल रही है, तो उसको लेकर ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। जी दीपक, नो डाउट बैठक जो है वो अहम होगी। बैठक की बात की भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।